नमस्कार, आवाज न्यूज 24/7 में मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। डूंगरपुर से आई बड़ी खबर। डूंगरपुर में पिछले 4 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद थी, जिसे आज चालू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शिक्षण भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जहाँ इंटरनेट सेवा बंद थी, जिसे आज चालू कर दिया गया है। शिक्षक भर्ती की मांग ने बिछीवाड़ा से लेकर खेरवाड़ा तक 3 दिन तक सुलगते रहे हाईवे पर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया है। इस नुकसान का मोटे तौर पर आकलन करें तो 250 करोड़ रुपए के करीब माना जा सकता है। हालांकि प्रशासनिक रिपोर्ट में इसका अनुमान और अधिक हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभ्यर्थियों की मांग पर सहमति तो बन गई है, लेकिन करोड़ों रुपए के नुकसान पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है।